नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेंद्र पाल और अपने आज के इस वीडियो में मैं फिर से आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूं 20 उन कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चंस को जो पहले किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। अगर आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक पूरे वीडियो की सीरीज है, बहुत सारे वीडियोज हमने इस तरह के बनाए हुए हैं और वो सभी वीडियोज को आप देखेंगे तो हर वीडियो के अंदर 20-20 क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया है जो पहले एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। तो अगर आप किसी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जहां पर कंप्यूटर अवेयरनेस के सवाल पूछे जाते हैं तो आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं और ये सभी वीडियोस आपको हमारी वेबसाइट www.learnviawatch.com पर भी मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पहला सवाल है हमारा, विच वन इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रिक कंप्यूटर, वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रिक कंप्यूटर कौन सा है वह आपसे पूछा गया है। अब ये है याद करने वाला सवाल, अब इसको याद कैसे करेंगे। सो मैं पहले आपको बता देता हूं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है सी, एनियाक, ENIAC। लेकिन इसको याद कैसे किया जाएगा, तो देखिए इसमें सबसे इजी जो है वो है बी, यूनिव एसी। मैं इसको यूनिव एसी बोलता हूं, बाकी लोग यूनिवैक बोलते हैं। यूनिव एसी इसलिए बोलता हूं क्योंकि इसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल का मतलब क्या है, जो सभी के इस्तेमाल के लिए हो, करेक्ट। तो जो चीज आप सभी के इस्तेमाल के लिए बना रहे हैं वो पहली नहीं हो सकती, ये चीज कन्फर्म। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि पहले कुछ बनाया गया, फिर उसमें चेंजेस किए गए, फिर उसको फिर से सुधारा गया, फिर से सुधारा गया, तो कई साइकिल के बाद एक ऐसी चीज बनती है जो कई लोगों के काम की हो, तब हम उसे कहते हैं कि भाई ये चीज यूनिवर्सल है। तो जिसके नाम में है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर वह पहला तो नहीं हो सकता। तो यूनिवैक सबसे पहले आप आउट कर दीजिए या फिर इसको यूनिव एसी कहना शुरू कीजिए, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो एग्जामिनेशन में। सो यूनिव एसी आउट हो गया। अब बचते हैं दो, EDVAC और ENIAC। अब इसमें से पहला कौन सा था ये कैसे याद रखेंगे, बहुत सिंपल है। आप देखिए EDVAC और ENIAC में, ENIAC में आई है और आई पे अगर आप ऊपर नीचे डंडे लगा दें तो ये रोमन लंक का वन बन जाता है, करेक्ट। सो ENIAC याद करने के लिए कि पहला इलेक्ट्रिक कंप्यूटर है, आपको देखना है कि EDVAC और ENIAC में आई किस में आ रहा है। आई दिखाई देता है कुछ ना कुछ रोमन लेटर के वन जैसा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ENIAC और याद रखने में भी आपके लिए आसानी हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और अगला सवाल है, वीडियो प्रोसेसर्स कंसिस्ट ऑफ वन एंड सेकेंड विच स्टोर एंड प्रोसेस इमेजेस। सो देखिए वीडियो प्रोसेसर होते क्या है पहले हम वो समझ लेते हैं। आप किसी भी डिस्प्ले की बात कीजिए, चाहे वह आपकी टीवी है, चाहे वह मॉनिटर है, चाहे किसी कैमरे के अंदर एलईडी डिस्प्ले लगा हुआ है, चाहे आपके मोबाइल के अंदर का डिस्प्ले है, किसी भी डिस्प्ले की आप बात कीजिए, उसमें जो आप देख पा रहे हैं वो वीडियो प्रोसेसर से प्रोसेस होके आता है तो आप उसको देख पाते हैं, करेक्ट। अब वीडियो प्रोसेसर में बहुत सारी चीजें होती हैं लेकिन यहां पर हमें स्पेसिफिकली दो चीजों के बारे में पूछा गया है और उसके बारे में हिंट भी दी गई है। हिंट क्या दी है कि पहली चीज जो है वो विच स्टोर, करेक्ट, और सेकंड चीज जो है वो प्रोसेस क्या, इमेज को। तो पहली चीज जो है वो स्टोर करती है इमेज को, दूसरी चीज प्रोसेस करती है इमेज को। अब जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं इसमें हमें देखना है कि पहला ऑप्शन में स्टोर वाला कौन सा है। तो देखिए क्या सीपीयू स्टोर करता है, नहीं, सीपीयू का काम स्टोर करना नहीं होता। बी में भी सीपीयू दिया है तो बी भी सही नहीं होगा। सी है वीजीए, वीजीए क्या होता है, विजुअल ग्राफिक्स एरे। इसका मतलब क्या हुआ, एरे बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट हैं जिसमें चीजों को स्टोर किया जाता है। सो विजुअल ग्राफिक्स एरे है, इसके अंदर डेटा स्टोर किया जाता है आपकी इमेजेस का, ग्राफिकल डेटा स्टोर किया जाता है। सो पहला जो हम चाह रहे थे स्टोर के लिए वो हमको मिल गया वीजीए, और क्या क्या है, प्रोसेस इमेजेस। प्रोसेस क्या करते हैं, तो जब भी आपकी इमेजेस को प्रोसेस करना होता है तो आपको मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है, मेमोरी में स्टोर की जाती है, उसके बाद वहां से वो रिड्राइव की जाती है, करेक्ट। सो दूसरा ऑप्शन भी हमारे पास आ गया, मेमोरी। तो इस तरह से हम इस प्रश्न का सही उत्तर पता लगा पाए, वो है सी, वीजीए एंड मेमोरी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और अगला सवाल है, एक चीज और, चैट विंडो ओपन है और कमेंट बॉक्स भी ओपन है, तो आप मेरे भरोसे ना रहें, आप अपना आंसर दें उसके बाद चेक करें कि मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं और मैं क्या उत्तर बता रहा हूं, देखते हैं आपके और मेरे कितने आंसर मैच करते हैं। सो अगला क्वेश्चन है द सिस्टम यूनिट, समझ लेते हैं सिस्टम यूनिट क्या है। तो जब भी आपको सिस्टम यूनिट के सामने ऐसा कुछ लिखा नहीं दिखाई दे रहा तो समझ जाइए कि पूछा गया है कि सिस्टम यूनिट क्या है, करेक्ट। तो सिस्टम यूनिट क्या होती है, आपने डेस्कटॉप कंप्यूटर देखा है, डेस्कटॉप कंप्यूटर में
एक मॉनिटर होता है और एक साइड में टावर लगा होता है। उस टावर के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, वो टावर को एक्चुअली कहा जाता है सिस्टम यूनिट। सो उस टावर के अंदर क्या क्या होता है, मदरबोर्ड होता है, प्रोसेसर होता है, SMPS होता है, हार्ड डिस्क भी उसी के अंदर होती है, रैम भी वहीं पर होती है। तो ये सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट उस कैबिनेट में बंद कर दिए जाते हैं और उस कैबिनेट को कहा जाता है सिस्टम यूनिट, कैबिनेट भी कहा जाता है। याद रखिएगा कहीं पर आता है कि कैबिनेट क्या है तो उसका उत्तर वही होगा जो सिस्टम यूनिट का उत्तर है। सो देख लेते हैं एक एक करके इसके ऑप्शंस को और देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। द सिस्टम यूनिट कोऑर्डिनेट्स इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। देखिए ये बात तो सही है कि सिस्टम यूनिट के अंदर सभी हार्डवेयर होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोऑर्डिनेट करता है। कोऑर्डिनेशन का काम सिस्टम यूनिट का नहीं है, सिस्टम यूनिट में सिर्फ वो सभी कंपोनेंट एक जगह पे रखे जाते हैं, दैट्स ऑल। ऑप्शन बी है, इज द कंटेनर दैट हाउसेस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, यानी कि सिस्टम यूनिट वह कंटेनर है जिसके अंदर सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट रखे जाते हैं, और ये ऑप्शन एकदम सही है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर है बी, द सिस्टम यूनिट इज द कंटेनर दैट हाउसेस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। फिर भी एक बार हम बाकी विकल्प को देखेंगे जिससे कि हम कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं, करेक्ट। सो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो देखिए सिस्टम यूनिट कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर तो हम चलिए कह भी सकते हैं एक बार को, लेकिन सॉफ्टवेयर तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है। कंट्रोल्स एंड मैनिपुलेट्स डेटा, डेटा को मैनिपुलेट करने का और कंट्रोल करने का काम प्रोसेसर का हो सकता है, लेकिन ये सिस्टम यूनिट का तो बिल्कुल भी नहीं है। डज द अर्थमेटिक ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन करने का काम किसका रहता है आप जानते हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट का। तो यहां पर ऑप्शन बी ही एकदम सही ऑप्शन है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल है द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द सिस्टम यूनिट इज द, फिर से आ गया सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट क्या होती है, सिस्टम यूनिट के अंदर बहुत सारे हार्डवेयर बंद होते हैं, दैट्स ऑल। तो उसमें सबसे मेन सर्किटरी क्या है, मेन सर्किटरी है उसके अंदर मदरबोर्ड, क्योंकि जब तक मदरबोर्ड नहीं लगेगा तब तक आप उसमें बाकी किसी भी हार्डवेयर को नहीं लगा सकते। तो कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं है, कंट्रोल यूनिट भी नहीं है, मदरबोर्ड इज द राइट आंसर सी। जब मदरबोर्ड लगेगा तब मदरबोर्ड के अंदर वहां पर कंट्रोल यूनिट लगाई जा सकती है, उसके बाद उसमें रैम लगाई जा सकती है, और कंप्यूटर प्रोग्राम तो हार्डवेयर में आता ही नहीं है, इट्स नॉट अ हार्डवेयर। तो जब ये हार्डवेयर नहीं है तो इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं हो सकता। सो सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल है विच कीज इनेबल द इनपुट ऑफ नंबर्स क्विकली, कौन सी की होती हैं जो नंबर्स का इनपुट आसान बना देती हैं। तो आपने कीबोर्ड देखा होगा, नॉर्मल कीबोर्ड में अगर आप देखेंगे तो साइड में इस तरफ एक कीपैड होता है, वहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर लिखे होते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, कीपैड बोला जाता है, न्यूमेरिक कीपैड बोला जाता है। सो देख लेते हैं यहां पर ऑप्शन में है क्या, कंट्रोल शिफ्ट अल्ट से हम नंबर एंटर नहीं करते, फंक्शन कीज से भी नंबर एंटर नहीं किए जाते हैं, द न्यूमेरिक कीपैड यस इससे नंबर एंटर किए जाते हैं, और यह सही उत्तर है द न्यूमेरिक कीपैड इस सवाल का। फिर भी हम अगला सवाल देख लेते हैं, एरो कीज से भी नंबर एंटर नहीं किए जाते हैं। सो आई होप आपको ये प्रश्न भी समझ में आया है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल है फ्रॉम विच लैंग्वेज द वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव्ड, कंप्यूटर शब्द जो है वह किस लैंग्वेज से आया है। देखिए कंप्यूटर जो है वह इंग्लिश लैंग्वेज का शब्द है, लेकिन अधिकतर इंग्लिश लैंग्वेज के शब्द या तो लैटिन से आए हैं या फिर फ्रेंच से आए हैं। तो एक चीज कंफर्म है कि अगर हम बात कर रहे हैं किसी इंग्लिश वर्ड की तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो लैटिन से आया होगा, और कुछ समय ऐसे होंगे जब वो फ्रेंच से डिराइव किया होगा। सो यहां देखते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, यहां पर स्पेनिश है, इंग्लिश है, लैटिन है और ग्रीक है। तो देखिए यहां फ्रेंच नहीं है तो हम बच गए, हम सेफ साइड में है, ये लैटिन शब्द है। कंप्यूटर जो शब्द है वो लैटिन से, लैटिन भाषा से लिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल है Which of the following can input graphical images and pictures for a computer? इनमें से कौन से कंप्यूटर के अंदर ग्राफिक इमेजेस या पिक्चर्स को इनपुट कर सकता है। तो जब हमसे कहा गया कि इनपुट कर सकता है तो एक चीज कंफर्म हो गई कि ये एक इनपुट डिवाइस है। अब क्योंकि एक इनपुट डिवाइस है तो हमें देखना पड़ेगा भाई कौन सी इनपुट डिवाइस है। प्लॉटर तो आउटपुट डिवाइस है, छोड़ देते हैं। स्कैनर इनपुट डिवाइस, और स्कैनर का काम क्या होता है, किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके डिजिटाइज कर देना, मतलब उसको कंप्यूटर के अंदर पहुंचा देना। सो क्या क्या डिजिटाइज कर सकता है स्कैनर, कोई भी डॉक्यूमेंट, उसमें इमेजेस भी हो सकती हैं और पिक्चर्स भी हो सकती हैं। सो ऑप्शन बी एकदम सही है। बाकी ऑप्शंस भी एक बार देख लेते हैं, माउस एक इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, लेकिन प्रिंटर में प्रिंट आता है,
और कीबोर्ड जो है वो एक इनपुट डिवाइस है, लेकिन उसके जरिए आप इमेजेस को इनपुट नहीं करा सकते। तो सही उत्तर है बी, यानी कि स्कैनर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल है, व्हाई इज द कैप्स लॉक की रेफर्ड टू एज अ टॉगल की। चलिए टॉगल को समझ लेते हैं, टॉगल क्या होता है। जब भी हम कहते हैं कि किसी बटन को दबाया गया तो वह अपनी स्टेट बदल देती है, और फिर से दबाया गया तो वापस अपनी स्टेट में आ जाती है, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, टॉगल कहा जाता है। सो कैप्स लॉक जो बटन है क्या करते हैं, जब हम एक बार दबाते हैं तो कैपिटल लेटर इनेबल हो जाते हैं, दोबारा दबाते हैं तो कैपिटल लेटर डिसेबल हो जाते हैं, यानी कि वो अपनी पुरानी स्टेट में लौट जाती है, करेक्ट। सो इसी वजह से इसको टॉगल की कहा जाता है। देखते हैं इन सेंटेंस में से कौन सा मीनिंग मैच कर रहा है। बिकॉज इट्स फंक्शन गोज बैक एंड फोर्थ एवरी टाइम इट इज प्रेस्ड, करेक्ट। जब भी इस बटन को दबाया जाता है तो अपने पुराने स्टेट में पहुंच जाती है, फिर दबाते हैं तो वापस अपनी स्टेट में आती है, इसी वजह से इसको टॉगल की कहा जाता है। तो ये ऑप्शन सही है, बिकॉज इट फंक्शन गोज बैक एंड फोर्थ एवरी टाइम इट इज प्रेस्ड। फिर भी एक बार हम सभी को देख लेते हैं, बिकॉज इट कैन नॉट बी यूज फॉर एंटरिंग नंबर्स, ये कोई बात नहीं हुई। बिकॉज इट कैन नॉट बी यूज टू डिलीट, ये भी फिर से कोई बात नहीं है। और अगला है बिकॉज इट कैन नॉट बी यूज टू इंसर्ट, सही है। एक्चुअली साइंस भी इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन बना रहा है, वो है ऑप्शन ए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल है, यूजिंग आउटपुट डिवाइसेस वन कैन, आउटपुट डिवाइसेस की सहायता से आप क्या कर सकते हैं। ऑब्वियस है हम आउटपुट ले सकते हैं, आउटपुट किस किस फॉर्म में आता है देख लेते हैं। इनपुट डेटा नहीं, स्टोर डेटा स्कैन डेटा नहीं, व्यू और प्रिंट डेटा, ये डी सही उत्तर है, क्योंकि आउटपुट डिवाइस में व्यू करने के लिए हमारे पास मॉनिटर है और प्रिंट करने के लिए हमारे पास प्रिंटर है, और दोनों ही आउटपुट डिवाइस है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज वुड इंक्लूड अ कीबोर्ड, इनमें से किस कैटेगरी में कीबोर्ड आता है। कीबोर्ड हम वैसे जानते हैं इनपुट कैटेगरी में आता है, फिर भी देख लेते हैं हमको ऑप्शन क्या क्या दिए हैं। प्रिंटिंग डिवाइस नहीं है, कीबोर्ड एक आउटपुट डिवाइस भी नहीं है, कीबोर्ड एक पॉइंटिंग डिवाइस भी नहीं है, कीबोर्ड एक स्टोरेज डिवाइस भी नहीं है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, यानी कि ऑप्शन ई सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ई। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, व्हाट टाइप ऑफ कीज आर कंट्रोल एंड शिफ्ट, शिफ्ट और कंट्रोल किस तरह की कीज है। ये मैं कई बार पहले भी बता चुका हूं, फिर से बताता हूं, कंट्रोल और शिफ्ट मॉडिफायर कीज है। एक बार हम देख लेते हैं, एडजस्टमेंट कीज नहीं होती है, फंक्शन कीज F1 से F12 तक आपके कीबोर्ड में होती है, मॉडिफायर कीज है। सो सी ऑप्शन सही है कंट्रोल और शिफ्ट के लिए। इसके अलावा मॉडिफायर में एक और की आती है अल्ट की। सो कंट्रोल अल्ट एंड शिफ्ट ये तीन जो है वो मॉडिफायर कीज होती है, ये आपको याद रखना चाहिए। अल्फा न्यूमेरिक कीज नहीं है, अल्फा न्यूमेरिक बेसिकली अल्फा विड्स और न्यूमेरिकल कीज की बात हो रही है, यानी कि A to Z और 0 to 9, करेक्ट, तो वो भी नहीं है। सो ऑप्शन सी सही है, ये इस प्रश्न का उत्तर है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, द टर्म विच टर्म रेफर्स टू डेटा स्टोरेज सिस्टम्स दैट मेक इट पॉसिबल फॉर अ कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू स्टोर एंड रिट्राइव डेटा। एक शब्द आपको पूछा गया है कि वह कौन सा शब्द है जो डेटा स्टोरेज सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है और कंप्यूटर के लिए डेटा को स्टोर करना और डेटा को रिट्राइव करना आसान बना देता है। तो वह कौन सी डिवाइसेस होती हैं जिसमें आप डेटा को रख सकते हैं और वहां से डेटा को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो रिट्राइवल टेक्नोलॉजी नहीं है, इनपुट टेक्नोलॉजी नहीं है, क्योंकि इनपुट टेक्नोलॉजी की वजह से आप डेटा को इनपुट करते हैं, दैट्स ऑल। आउटपुट टेक्नोलॉजी की वजह से आप डेटा का आउटपुट देखते हैं। स्टोरेज टेक्नोलॉजी, स्टोरेज टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये आपको अलाउ करती है, ये कंप्यूटर को अलाउ करती है कि वह डेटा को स्टोर कर सके और जरूरत करने पर डेटा को वहां से इस्तेमाल कर सके। सो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, स्टोरेज टेक्नोलॉजी। बढ़ते हैं आगे। और अगला सवाल है, द टर्म दिस रेफर्स टू एनी कंप्यूटर कंपोनेंट दैट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वर्क। वह कौन सा शब्द है जिसका इस्तेमाल उन कंप्यूटर कंपोनेंट के लिए किया जाता है जो किसी भी काम को करने के लिए जरूरी होते हैं। तो कौन से होते हैं, जब भी हम कहते हैं कि कंप्यूटर में, अच्छा चलिए देख लेते हैं कौन कौन से हार्डवेयर जरूरी होते हैं कोई भी पर्टिकुलर काम करने के लिए। CPU, मेमोरी और बाकी भी आपके जैसे स्टोरेज टेक्नोलॉजी में हार्ड डिस्क हो गई, मदरबोर्ड हो गया, ये सभी रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये सभी कहलाते हैं रिसोर्सेज। क्या कहलाते हैं, रिसोर्सेज, याद रखिएगा इसको। तो यहां पर बूटस्ट्रैप सही उत्तर नहीं है। कर्नल एक तरह का हम कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर होता है,
रिसोर्सेस सही है। सो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। और जो अगला ऑप्शन दिया है डी, सोर्स कोड। सोर्स कोड बेसिकली आपका प्रोग्राम होता है। सो वो भी नहीं है, क्योंकि वो भी एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है, ना कि आपका कोई हार्डवेयर होता है। करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल है, द डैश इज रेस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस एंड कंटेन्स डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म। वह कौन सी चीज है जिसकी जिम्मेदारी है कैलकुलेशन करना और डिसीजन मेकिंग करना। बहुत आसान है, आप सभी जानते हैं, बहुत बार हम इसको कर चुके हैं। करेक्ट। सो जब भी बात करते हैं कैलकुलेशन और डिसीजन मेकिंग की, तो बात करते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट की, यानी कि ALU की। देख लेते हैं, यहां पर ALU कहीं पर आपको दिख रही है, देखिए रहा, सी ऑप्शन सही है, तो इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल है, यू यूज अ डैश सच एज अ कीबोर्ड और माउस टू इनपुट इंफॉर्मेशन। वह कौन सा चीज है जिसे आप कीबोर्ड या माउस की तरह इनपुट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इंफॉर्मेशन इनपुट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वह चीज होती है इनपुट डिवाइसेस। यहां पर यह भी बहुत ही ऑब्वियस सा ऑप्शन है, इसके बारे में भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल है, वॉट इज आउटपुट। आउटपुट क्या होता है, पढ़ लेते हैं इन सभी स्टेटमेंट्स को। वॉट द प्रोसेसर टेक्स फ्रॉम यूजर। सो प्रोसेसर लेता है क्या, वो आउटपुट होता है, नहीं, प्रोसेसर ले रहा है तो इनपुट हुआ ना, आउटपुट कैसे हुआ। What the user gives to the processor, जो यूजर देता है प्रोसेसर को वह क्या होता है, इनपुट होता है, ना कि आउटपुट होता है, क्योंकि यूजर ने दिया है। What the processor gets from user, जो प्रोसेसर यूजर से लेता है। सो बेसिकली क्या है, सभी चीन तीनों ही वाक्य का मतलब एक ही है, उसको बस घुमा फिरा के कहा जा रहा है। यहां कहा गया टेक्स, यहां कहा गया गिव्स, यहां कहा गया गेट्स। सो बेसिकली बात यही है तीनों की, कि यूजर कुछ ना कुछ प्रोसेसर को देता है, तो देता है वो इनपुट है, आउटपुट नहीं है। अगला ऑप्शन है, व्हाट द प्रोसेसर गिव्स टू द यूजर। यहां पर बात की गई है कि वह चीज जो प्रोसेसर यूजर को देता है, यस, हम उसी की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आउटपुट की। सो आउटपुट वह है जो प्रोसेसर देता है यूजर को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल है, कंप्यूटर डैश इज वॉट एवर इज टाइप्ड सबमिटेड और ट्रांसमिटेड टू अ कंप्यूटर सिस्टम। वह क्या चीज है जो टाइप कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं और ट्रांसमिट कर सकते हैं एक कंप्यूटर सिस्टम को। तो वह चीज होती है इनपुट, यानी कि ए, कंप्यूटर इनपुट इज वॉट एवर इज टाइप्ड सबमिटेड और ट्रांसमिटेड टू अ कंप्यूटर सिस्टम। जो भी चीज आप कंप्यूटर को देते हैं वह होती है इनपुट। यहां पर एक थोड़ा कंफ्यूजन जरूर हो सकता है कि डेटा भी वही चीज होती है, लेकिन डेटा एक्चुअली हर जगह पर क्या कहा गया है कि जो भी हम या तो हमने सबमिट किया है या ट्रांसफर किया है, यानी कि कंप्यूटर ने दिया है, और जो हमने टाइप किया, तीनों ही जगह बात हो रही है इनपुट की। यहां पर अगर डेटा की बात करना चाह रहे होते हैं सवाल के अंदर, तो ये कहते कि कंप्यूटर में एज अ इनपुट और कंप्यूटर प्रोसेस जिस पर काम करता है और कंप्यूटर जो आउटपुट देता है, वो सारी चीजों को क्या कहते हैं। करेक्ट। यहां पर लेकिन तीनों ही जो इन्होंने इस्तेमाल किए, वहां पर बात की गई है इनपुट की, कुछ ना कुछ कंप्यूटर के अंदर जा रहा है, तो हम उसको कहते हैं इनपुट, ना कि डेटा। सो आउटपुट तो नहीं है ऑब्वियसली, डेटा भी नहीं है और सर्किटरी भी नहीं है। सर्किटरी बेसिकली वो हार्डवेयर होता है जिसमें आपके पूरे वायर्स वगैरह कनेक्ट किए जाते हैं। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल है, विच प्रोसेस चेक्स टू एंश्योर द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर आर ऑपरेटिंग एंड कनेक्टेड प्रॉपरली। वह कौन सा प्रोसेस है जो ये एंश्योर करता है चेक करके कि कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट्स प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं और चालू। वह कौन सा प्रोसेस होता है। सो जब आप कंप्यूटर चालू करते हैं उस समय पर क्या होता है, बूट होता है, कंप्यूटर बूट होता है फर्स्ट टाइम जब आप बटन प्रेस करते हैं। सो बूटिंग के समय क्या चेक किया जाता है, मेमोरी प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं, स्टोरेज कनेक्टेड है या नहीं, सभी फंक्शन प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं, मतलब सभी हार्डवेयर प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं और आपस में कनेक्टेड है या नहीं, ये बूटिंग के समय होता है। और अगर सभी चीज सही मिलती है तो कंप्यूटर चालू कर दिया जाता है। सो हम एक एक करके सभी ऑप्शंस को देख लेते हैं। सही उत्तर अब आपको पता चल चुका है, सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि बूटिंग। फिर भी हम देखते हैं आगे। सो प्रोसेसिंग नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोसेसिंग होगी तब जब सभी कंपोनेंट सही तरह से काम कर रहे होंगे। सेविंग और एडिटिंग ये तो दोनों एक सॉफ्टवेयर के पार्ट है, इसका हार्डवेयर से कोई संबंध नहीं है, तो इसलिए सी और डी भी इसके उत्तर नहीं हो सकते। सही उत्तर है ए, यानी कि बूटिंग। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर रैम। इनमें से रैम के लिए क्या सही है। इट इज वॉलेटाइल मेमोरी, यस,
रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है, वॉलेटाइल यानी कि वो टेम्परेरी है, थोड़ी देर ही रहती है, जैसे अगर कंप्यूटर अगर बंद कर दिया गया तो वहां से सब कुछ गायब हो जाता है। इट इज टेम्परेरी मेमोरी, यस। इट इज प्राइमरी मेमोरी, यस। तीनों ही सही है। तो अगला ऑप्शन है डी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। तो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, ऑल ऑफ द एबव। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल है कंट्रोल शिफ्ट एंड अल्ट आर कॉल्ड, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को हम किस तरह की कहते हैं। ये अभी अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट कीज को कहा जाता है मॉडिफायर कीज, यानी कि सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो आई होप कि आपको ये 20 सवाल समझ में आए हैं। इससे मिलते जुलते सवाल भी अगर आपको अब मिलेंगे एग्जाम में तो आप सॉल्व कर पाएंगे, ऐसे में उम्मीद करता हूं, क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन करता ही इसीलिए हूं जिससे कि आपको आसपास की भी नॉलेज हो जाए, सिर्फ एक ही सवाल तक आपको नॉलेज ना रहे, क्योंकि आप कितना रटेंगे आपको समझकर ही काम करना पड़ेगा, करेक्ट है। अगर आप समझेंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा सवाल को हल कर पाएंगे। और कंप्यूटर अवेयरनेस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। इसमें अगर आपकी प्रैक्टिस ज्यादा है, इनफैक्ट अगर आप मेरे मान के चलिए 100 ये वीडियोस देख लेते हैं जिसमें मैं ये सिखा रहा हूं, तो आई बिलीव कि आप सिर्फ सवाल को देखेंगे और उत्तर दे देंगे, सवाल को देखेंगे और उत्तर दे देंगे। तो अभी मैं जो बता रहा हूं इसमें कभी कभी आसान सवाल आ जाते हैं, कभी कभी डिफिकल्ट सवाल आते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो ऐसा बनाऊं या एक ऐसे वीडियो की सीरीज बनाऊं जहां पर मैं कठिन कठिन सवालों को लेकर आऊं और उन कठिन सवालों को एक्सप्लेन करते हुए आपको समझाता हुआ चलूं। थोड़ा वीडियो बड़ा बनेगा, लेकिन उससे क्या होगा कि आपके कंप्यूटर अवेयरनेस का जो सेक्शन है उसमें मैक्सिमम मार्क्स लाने के चांस बढ़ जाएंगे। मेरी कोशिश यह है कि आप कोई भी उसमें क्वेश्चन ना छोड़े और आप सभी सवालों को सही सही उत्तर दे पाए। सो इसी तरह के हमारे पार्ट आगे भी आ रहे हैं। इनफैक्ट रोजाना सोमवार से लेकर शनिवार तक दोपहर में 3 बजे आपको कंप्यूटर अवेयरनेस का एक वीडियो मिलता है। So, आप डेली 3 बजे हमारे चैनल लर्न वाय वॉच पर ऑनलाइन आए और आप इस वीडियो को लाइव देखें, वहां पर आप लाइव में आंसर दें। इससे क्या होता है कि हमें भी खुशी होती है कि हाँ भाई लोग देख रहे हैं, इतनी मेहनत करके हम बना रहे हैं तो लोग देखें तो ही मजा आता है। और जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, देखना स्टार्ट कर रहे हैं, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शेयर करेंगे तो हमारे पास और ज्यादा स्टूडेंट्स आएंगे, हमें और ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे, हमारी हौसला अफजाई और ज्यादा होगी, हम और ज्यादा आपके लिए वीडियोस लेके आएंगे। सो डेली दोपहर को 3 बजे आप कंप्यूटर अवेयरनेस के इस इन तरह के वीडियोस को देखना ना भूलें। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, इजाजत दीजिए, नमस्कार।